एक्सरसाइज नंबर 11, पेज नंबर 116, नाउ स्टूडेंट्स कम ऑन टू प्रॉब्लम नंबर 5। इसमें आपको क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 3% ऑफ 50। मतलब क्या हुआ कि आपको 50 का 3% निकालना है, ठीक है। एक्सरसाइज नंबर 11, एक्सरसाइज नंबर 11, प्रॉब्लम नंबर 5, प्रॉब्लम नंबर 5, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या आपको फाइंड करना है, यू हैव टू फाइंड 3% ऑफ 50, 50 का आपको 3% निकालना है। तो उसके लिए क्या करना होगा, आपको 50 को डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देना होगा 3/100 से, ठीक है। तो 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 1 5, 5 2 10, आपका आंसर कितना आ जाएगा, 3/2, ठीक है। 3/2 जो होगा वो आपका आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट देखिए, इसी तरह यहाँ पे दिया हुआ है 140 का कितना परसेंट निकालना है आपको, 20% ऑफ 140। तो अब क्या करेंगे, 140 को मल्टीप्लाई कर देंगे 20/100 से, 0 से 0 ये कट जाएगा, 0 से 0 ये आपका जाएगा 28, ठीक है, 28 यही आपका आंसर हो जाएगा। इसी तरह स्टूडेंट्स आ जाइए प्रॉब्लम नंबर 6 में। प्रॉब्लम नंबर 5 और प्रॉब्लम नंबर 6 जो है वो मिलती जुलती सेम प्रॉब्लम है। देखिए आपको क्या फाइंड करना है, 25% ऑफ रुपीज 600, 25% ऑफ रुपीज 600 का आपको 25% निकालना होगा। तो यहाँ पे लिख दीजिए 600 × 25/100, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, हो जाएगा आपका 150 रुपीज, ठीक है। 25 × 4 = 100 होता है, फिर 125 और 150। अब नेक्स्ट आइए देखिए प्रॉब्लम नंबर 6 के पार्ट 4 में। यहाँ पे आपको क्या फाइंड करना है, 8% ऑफ 160 किलोमीटर, 160 किलोमीटर का 8%। तो उसको फाइंड करने के लिए हम लोग 160 को मल्टीप्लाई कर देंगे 8/100 से, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 से कटिए, 2 4 = 8, 2 5 = 10, ये हो जाएगा 16 4 = 64/5, ठीक है। अब ये मिक्स फ्रैक्शन में है, आप इसको रिड्यूस भी कर सकते हैं, 5 1 = 5 हो जाएगा, 5 1 = 5, फिर 5 2 = 10, 4 बचेगा, पॉइंट लगा दीजिए, 5 8 = 40। यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई करके दिखा दे रहा हूँ, 64 / 5, 5 1 = 5 हो जाएगा, यहाँ पे 1 carry 4, 5 2 हो जाएगा 10, यहाँ पे 4 बचा, अब यहाँ पे पॉइंट लगा के 0 बढ़ा देंगे, 5 8 = 40, कितना आ जाएगा हमारे पास, 12.8 किलोमीटर, ठीक है। सो स्टूडेंट्स आपको प्रॉब्लम नंबर 5 और प्रॉब्लम नंबर 6 इसी पैटर्न पे खुद से करनी होगी।